गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एंटीबायोटिक में से मेन कैटेगरी देखने वाले हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं बेंजाइल प्रिंसिपल का। एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से वन ऑफ द क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, गिव केमिकल नेम, गिव द यूजेस, ऑफिशियल प्रिपरेशन और अ ब्रांड नेम ऑफ बेंजाइल प्रिंसिपल। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रग हम पढ़ेंगे, स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। देखिए, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि द पेनिसिलिन ग्रुप इज बिलोंगिंग फ्रॉम द सिक्स अमाइनो पेनिसिलैनिक एसिड। तो वही पैरेंट न्यूक्लियस लेके हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे सिक्स अमाइनो पेनिसिलिन एसिड मतलब इस इतना पोर्शन स्ट्रक्चर में कवर होगा, जिसमें सिक्स पोजीशन पे अमाइनो और ये बीटा लैक्टम रिंग के साथ थायाजोलिडिन रिंग। बीटा लैक्टम रिंग ऑलरेडी हमने पढ़ी है, दैट इज द फोर मेंबर रिंग हैविंग अ डबल बॉन्ड, वो ये है बीटा लैक्टम रिंग। और सेकंड इज द थायाजोलिडिन रिंग, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर है और जिसको फ्यूज किया है। ये दोनों रिंग को अगर हम फ्यूज करते तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, टू सिक्स वन फोर मेंबर रिंग एंड वन फाइव मेंबर रिंग, ये पूरी रिंग बन जाती है पेनिसिलैनिक एसिड। तो मेन न्यूक्लियस उसमें पेनिसिलैनिक एसिड है। फिर इसके लिए हमको नंबरिंग भी देना है, तो यहाँ से सल्फर से नंबरिंग देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे है, देन सिक्स यहाँ पे, सेवन। देखिए, अभी तक हमने देखा था कि कंटिन्यूस नंबरिंग मेथड देखा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंजेस यहाँ पे चेयर फॉर्म में ये स्ट्रक्चर है, इसलिए वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे है और इसके बाद सिक्स और सेवन है इसका नंबरिंग। तो सिक्स पे अमाइनो है, ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आता है पैरेंट न्यूक्लियस, दैट इज द पेनिसिलैनिक एसिड, और सिक्स पे अमाइनो। फिर फर्दर हमको अगर केमिकल नहीं देना है तो इसी को हमको देना पड़ेगा। तो सिक्स पे ये ग्रुप है अमाइनो, एन एच, सी डबल बॉन्ड और सी एच टू, दो कार्बन होने के कारण इसको हमने वन डैश और टू डैश नंबरिंग दिया, क्योंकि टू डैश पे एक सिक्स नंबर रिंग, दैट इज द फिनाइल इज अटैच। तो ये कहाँ पे है, सिक्स पोजिशन ऑफ, इसलिए हमने केमिकल पे नेम में लिखा है सिक्स, फिर लिखा टू डैश फिनाइल, ये वाला फिनाइल, फिर सी एच टू एंड सी डबल बॉन्ड ओ। अगर इसको देखेंगे तो इट विल बी द एसिडिक, अगर सी एच टू एंड सी डबल बॉन्ड देखेंगे तो इट विल बी एसिडिक, अगर उसमें एक्स्ट्रा अगर एन एच अगर अटैच करती हूँ तो बनता है एसिटा अमीडो, तो हमने लिखा एसिटा अमीडो, ओके। तो इतना पोर्शन तो पूरा कवर हो गया, मतलब सिक्स पे जो अमाइनो था वो भी अमीडो में आ गया, इट विल बी एसिड इन द एसिटा अमीडो, और सेकेंड पे फिनाइल था जो टू डैश फिनाइल। तो ब्रैकेट हम कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट इज द ये टू रिंग का ये पूरा बाकी है, दैट इज द पेनिसिलैनिक एसिड। बस इतना ही सिंपल सा केमिकल है। देन प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, ऑफिशियली ये सोडियम सॉल्ट में अवेलेबल है, क्योंकि पेनिसिलैनिक एसिड इज इनसोल्युबल इन वाटर, बट हमको इसका इंजेक्शन फॉर्म बनाना है तो वाटर सोल्युबिलिटी हमको इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए सॉल्ट फॉर्म बनाया, तो दैट इज द सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट कैसा रहेगा, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी है, ठीक है। देन यहाँ पे बिटर इन टेस्ट, क्योंकि सॉल्ट होने के कारण इसको हम बोलेंगे बिटर इन टेस्ट, एंड सोल्युबल इन वाटर। सोल्युबल इन वाटर क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको इसका इंजेक्शन प्रिपरेशन है। देन स्टोरेज, स्टोरेज इज वगैरह अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज सोडियम सॉल्ट, इसलिए हाइग्रोस्कोपिक हो सकता है, इट इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, ओके, मॉइस्चर से इसमें अफेक्शन रहेगा। अगर इफ द मॉइस्चर इज कंटेन लेस देन 0.5% देन एट अ रूम टेम्परेचर, देन इट इज देन इट विल बी स्टोर्ड इन एट अ रूम टेम्परेचर। अगर उसका 0.5% से कम है मॉइस्चर कंटेंट, तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो, नहीं तो फिर उसका स्टोरेज में डिफरेंस आएगा, एक प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इंजेक्शन बना रहे हैं तो अगर वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा रहा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन या फंगल फॉर्म होना जरूरी होता है, तो उसके लिए हमको पर्टिकुलर प्रिवेंटिव्स या प्रिजर्वेटिव या एंटी फंगल एजेंट डालना पड़ेगा। तो स्पेशली हम पैरेंटल में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, तो इसीलिए प्रॉपरली मॉइस्चर कंडीशन चेक करना जरूरी है। देन बेंजाइल प्रिंसिपल स्टेबल फॉर टू टू थ्री इयर्स, थ्री इयर्स के लिए इसको हम रूम टेम्परेचर पे आराम से स्टोर कर सकते हैं, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। इसको सिर्फ मॉइस्चर से हमको प्रिवेंट करना है, और अगर 0.5 से लेस अगर उसका मॉइस्चर है तो उसको हम एनी कंडीशन में टू थ्री इयर्स रख सकते हैं, तो ये उसका स्टोरेज कंडीशन होगा। देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन दैट द यूजेस, क्योंकि यूजेस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और पूरे पेनिसिलिन कैटेगरी के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि हमने वेरियस डेरिवेटिव्स ऑफ पेनिसिलिन कैटेगरी देखी है, जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, क्लोक्सेसिलिन, कार्बेनिसिलिन, ठीक है। तो ये पूरे जो पेनिसिलिन ग्रुप के डेरिवेटिव, उसमें आप यही पूरे यूजेस लिख सकते हो। ये पूरे यूजेस मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, देखेंगे वन बाय वन। देखिए, इट इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जो ऑलरेडी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से कैटेगराइज करता है वो। देन सेकंड इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एंटीबायोटिक हमको क्यों जरूरी है, एंटीबायोटिक एक्चुअली जरूरी है
अगर खप हुआ तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन लेंगे, बट एक्चुअल पॉजिटिव एजेंट दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल करने के लिए हमको एंटीबायोटिक लेना जरूरी है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ये काम करता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। देन वेरियस कैटेगरी में नेक्स्ट इट इज यूज टू ट्रीट अब्सेसेस। अभी अब्सेसेस मतलब क्या होता है, तो दैट इज द पस फॉर्मेशन। देखिए अगर आपको कहीं पे लगा है और आपने उसको केयर नहीं किया तो वहाँ पे पानी घुस जाता है स्किन के ऊपर और वो क्या होता है बड़ा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, रेडनेस आता है, नोकुला हो जाता है, हम जिसको बोलते हैं पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से हमको फीवर रहता है, वो दुखता है। ठीक है, ये कभी भी हो सकता है अगर कांटा चुभने की वजह से या माइनर कट की वजह से, बर्न की वजह से, तो किसी भी चीज़ की वजह से अगर वहाँ पे अब्सेसेस मतलब पस फॉर्मेशन, रेडनेस और ऐसा पॉइंट जैसे अगर बन रहा है तो दैट इज द अब्सेसेस। तो वो क्या हो जाता है, सेप्टिक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको कट करता है और पस पूरा निकाल देते हैं और फिर उसके ऊपर मेडिसिन लगाने के लिए देते हैं। लेकिन वो इंटरनली भी क्योर होना चाहिए, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल होने चाहिए, इसीलिए हम बेजर पेनिसिलिन या पेनिसिलिन कैटेगरी के एनी ड्रग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेफालिस। सेफालिस ये भी पर्टिकुलर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माउथ अल्सर्स, माउथ सोर होते हैं आपको, ठीक है, या पेप्टिक अल्सर या यूसोफेगल जो ज़्यादा अल्कोहलिक कंजम्पशन करते हैं, खर्रा खाते हैं, उनको ये स्पेशली होता है। साथ में यूरिनेशन की भी तकलीफ उसमें होती है, ये यूरिनेशन अगर इन्फेक्शन होता है तो सेफालिस इन्फेक्शन को कैटेगराइज किया जाता है, यहाँ पे भी पेनिसिलिन ग्रुप प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज द गोनोरिया। गोनोरिया ये गोनोकोकल इन्फेक्शन से होता है, गोनोकोकल इज अ पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट जिसमें यूरिनेशन एंड वाइट डिस्चार्ज जैसे प्रॉब्लम अगर है तो दैट इज द गोनोरिया, वहाँ पे भी पेनिसिलिन कैटेगरी ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट इज द फारिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया। ये आपको पता है इट विल बी रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी, नोज रनिंग हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो दैट इज द फारिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया। तो वही लिखा है थ्रोट इन्फेक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट इज द मेनिनजाइटिस ड्यू टू द सेफालोकोकल। मेनिनजाइटिस इट इज अ सेरेब्रल पार्ट इन्फेक्शन जिसमें आपका सेरेब्रल ग्रे मैटर स्वेल होता है और वो इन्फेक्शन होता है, तो दैट इज द मेनिनजाइटिस। देन न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। न्यूमोकोकल इन्फेक्शन लीवर इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें आपको फीवर आता है, चिलिंग इफेक्ट आता है और कफ जैसे सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट इज द टिटैनस। टिटैनस सभी को पता है, टिटैनस का इंजेक्शन हम लेते हैं, कफ क्यों लेते हैं, अगर कुछ लोहे का हमको लग गया है, मसल स्पाजम हुआ है, मसल आपके पेन कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको फीवर अगर आता है तो उसमें हम टिटैनस का इन्फेक्शन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या है, सोर थ्रोट, फीवर, सोलन लिंफ नोड। डिप्थीरिया भी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन है जिसमें आपका बॉडी एक होता है, ठीक है, देन सोर थ्रोट मतलब हॉसने जैसा फील होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा, एंड सॉलन लिम्फ नोड, आपके लिम्फ नोड सॉल होते हैं, स्वेल होते हैं, ठीक है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स में फीवर, स्किन इन्फेक्शन एंड अल्सरेशन आता है, यहाँ पे भी स्किन इन्फेक्शन और पर्टिकुलर ये एनिमल में होता है। एंथ्रेक्स ये जो डिसीज है पर्टिकुलरली एनिमल्स में होता है और एनिमल को फीवर आना, उनके ऊपर स्किन के ऊपर रैशेस होना, पेन होना, ठीक है, या कुछ पॉइंट जैसे अब्सेसिव जैसे फील होना, अल्सरेशन, ये सभी एंथ्रेक्स डिसीज में कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट वी यूज प्रोफाइलेक्टिकली बिफोर डेंटल एंड सर्जिकल प्रोसीजर। आपको पता है अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ओपन होता है, कट होता है और सेल्स और टिश्यू अगर ओपन होते हैं तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो सकता है। तो सेम एज इट इज अगर सर्जिकल ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ पे कटिंग होगा, फिर अगर आपको सील भी देंगे, उसको स्टिच भी करेंगे, फिर भी वहाँ पे वो जो ओपन रहेगा तो वो सेंसिटिव पार्ट है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो सकता है। तो वो प्रिकॉर करने के लिए फॉर द प्रोफाइलेक्टिक बेसिस हम पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सभी कैटेगरी में हमको यूज करना है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है भले ही, लेकिन इसके नाम लिखने हैं, दैट इज अब्सेसेस, सेफालिस, गोनोरिया, न्यूमोकोकल, फारिंजाइटिस, डिप्थीरिया, एंथ्रैक्स, नेक्स्ट इज द मेनिनजाइटिस एंड द प्रोफाइलेक्टिकली डेंटल एंड सर्जिकल प्रोसेस। ये पूरे यूजेस हम कवर करें। देन इज द फॉर्मुलेशन। तो किसमें अवेलेबल रहेगा, टैबलेट में और इंजेक्शन में, बेंजाइल्पेनिसिलिन, बेंजाइल्पेनिसिलिन इंजेक्शन, बेंजाइल्पेनिसिलिन सोडियम और बेंजाइल्पेनिसिलिन टैबलेट। नेक्स्ट इज वन ऑफ दिस द ब्रांड नेम जिसमें क्राइसोपेन जी, नोवोपेन एंड PAM नाम के ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आज हमने क्या देखा, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग देखा बेंजाइल्पेनिसिलिन जिसका स्ट्रक्चर केमिकल नेम यूजेस ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।